नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के सावनेर में मंत्री सुनील केदार के नेतृत्व में मॉयल गेट पर आंदोलन। तहसील के खापा क्षेत्र की गुमगांव मॉयल मैंगनीज खदान में पिछले अनेक समय से चली आ रही मांगों को लेकर क्षेत्र के लोकप्रिय नेता तथा राज्य के पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीड़ा तथा युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार के नेतृत्व में सावनेर तालुका युवा कांग्रेस तथा खापा नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिनांक 18 दिसंबर 2021 को सुबह 7 बजे से गुमगांव मॉयल के गेट पर कामगार तथा स्थानीय बेरोजगारों की विविध समस्याओं को लेकर भव्य धरना आंदोलन किया। गुमगांव मॉयल में जारी धरना आंदोलन को संबोधित करते हुए राज्य के पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीड़ा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा कि क्षेत्र की जनता, कामगार तथा बेरोजगार युवक युवतियों पर अन्याय कतई सहा नहीं जाएगा। तो वहीं मॉयल के सीएमडी मुकुंद चौधरी, जीएम प्रशांत करैया खान, प्रबंधक आर ए खान, डायरेक्टर एचआर उषा सिंह आदि ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर केंद्रीय कार्यालय से शीघ्र मंजूर करवाने की बात कही। लिखित आश्वासन में मंत्री सुनील केदार के साथ आंदोलनकारियों का समाधान किया। सावनेर संवाददाता मुकेश झरबड़े की रिपोर्ट। और जो बेरोजगारों का जो प्रश्न है, इस विषय में सर क्या बातचीत हुई अभी? उससे जो बातचीत हुई उसके हिसाब से उन्होंने आपल्याला सांगितलं मॉयलच्या मॅनेजमेंटने की त्यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत ते त्यांच्या सगळ्या बोर्डामध्ये त्यांच्या फुल फेजच्यामध्ये त्याचा कायदा तयार करतात आहे। 15 तारखेला निकाल लावून आपल्या हाती ते पत्र देते। भाऊ, याच्यामध्ये जे ठेकेदारीचे जे मजूर आहेत त्यांना कमी रोजी मिळते त्या संदर्भातही याच्यावर चर्चा झाली। त्या ज्या नियमाप्रमाणे त्यांना असेल एखाद्याला कुठे कमी मिळत असेल ते घ्या, ते चौकशी करून त्याला मिळून देऊ। पण माझ्यासाठी आज अफेक्टेड लोकांच्या नोकऱ्या हा माझा महत्त्वाचा विषय आणि नवीन भरती ह्या इथल्या स्थानिक लोकांचे दोन विषय माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे। 15 फेब्रुवारी ते नक्की निकाली लागतील। 15 फेब्रुवारीपर्यंत।